बची हुई ब्रेड कॉर्नर से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए इसका इस तरह से पीस कर लेंगे। सारी ब्रेड को इस तरह से हम टुकड़ों में काट लेंगे। सारे पीसेस मैंने बना लिए हैं, अलग रख देंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इस तरह से लगा लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छा खासा गर्म किया है। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर लूँगा। ब्रेड इसमें डाल देंगे और इसको एकदम क्रंची होने तक हमें फ्राई करना है, कलर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चलिए 7 से 8 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए सारे पीस को मैंने क्रंची कर लिए हैं, और इतना क्रंची है कि अगर 2 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे तो ये जल भी जाएंगे, तो यहाँ तुरंत गैस बंद कर देंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ मैंने 3 और 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसको गर्म होने देंगे। चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन चॉप कर लिए थे, ये डाल देंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। 2 डालेंगे ग्रीन चिली, और ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको लेना है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और तुरंत डाल देंगे 3 ग्रीन, ये अपना हरी प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, ये भी इसमें डाल देंगे। और 1 छोटा सा प्याज मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई, जिसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 1 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर, 1 छोटा मीडियम साइज का टमाटर ले लिया, जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और इसके पल्स 20 सीड्स जो है मैंने निकाल लिए हैं। इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। चलिए 1.5-2 मिनट के बाद अब हम इसको पूरा इंडियन स्टाइल में बनाएंगे, तो इंडियन चीज़ें आप बिल्कुल दबा के बिंदास डालिए। 1/3 टीस्पून ये धनिया पाउडर डालेंगे, और 1/3 जीरा डालेंगे, 1/3 हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1.5 टीस्पून ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपको स्किप करना है तो कर सकते हैं, उसके बगैर भी आए। 3 टेबल स्पून से ज़्यादा टोमेटो केचप, फ्लेम को हाई ही रखना है हमें। और डालेंगे 1 टेबल स्पून से कम रेड चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून डालेंगे विनेगर, चिली विनेगर ले रहा हूँ मैं यहाँ। और डार्क सोया सॉस वो भी 1 टेबल स्पून के आसपास मिला देंगे सारी चीज़ों को। और 1 छोटा प्याज मैंने इस तरह से डाइस कट कर लिया है, ये डाल देंगे। स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा डाल देंगे। और नमक थोड़ा संभल के डालना है, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट नमक अवेलेबल है। 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं इसको। इसके बाद मैंने 1/2 ग्लास पानी लिया है, ये डाल देंगे इसमें, और 1/2 मिनट तक इसको भी अच्छे से हम कुक कर लेंगे। और तब तक
तक इसमें डाल देंगे। एक टीस्पून से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ताकि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। मिक्स करके एक मिनट कुक कर लेंगे। चलिए बॉईल होने तक यहाँ मैंने तीन चार ये वाले चम्मच, चार चम्मच मैंने ले लिया है, और उसमें एक चम्मच में कॉर्नफ्लोर डाल दूंगा और इसकी एक स्लरी बना लूंगा। स्लरी को धीरे धीरे इसमें डालेंगे जितनी जरूरत है उतनी। कॉर्न स्टार्च डालने से ग्रेवी जो है वो बहुत ही गाढ़ी होती है, और काफ़ी सारी चीज़ों को बॉन्ड करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए भी कॉर्न फ्लोर का यूज होता है, और मकई का आटा जो है अलग होता है। चलिए एकदम परफेक्ट गाढ़ी जो है ग्रेवी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे हमारा ये ब्रेड जो हमने एकदम क्रंची बना लिया है। बस कुछ सेकंड्स इसको फ्राई करना है। बिल्कुल तैयार हो गई हमारी ये ब्रेड की जबरदस्त रेसिपी, और ये यकीन मानिए फ्रेंड बहुत टेस्टी है, क्रंची और क्रिस्पी भी बहुत अच्छी है। तो थोड़ी नई है तो जरूर ट्राई करिए। थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन, और थोड़ा सा सिसम से तिल। गैस कर देंगे बंद और प्लेट में निकाल देंगे। बाउल में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म टेस्टी और लाजवाब, वैसे ब्रेड मंचूरियन बोल सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा हटके और डिफरेंट है, टेक्सचर्स बहुत प्यारा है, एरोमेटिक डिश है ये, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी आइटम है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर देना।